डायबिटीज ओशन जयपुर द्वारा कार्यक्रम रोशनी का आयोजन 29 अक्टूबर 2023 सायकल 4 बजे महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित होने जा रहा है। रोशनी कार्यक्रम का एक ही आधार विचार है कि बच्चों को और युवाओं को प्रकृति, संस्कृति, स्वास्थ्य और संस्कार के साथ जोड़ना। दूसरा, रोशनी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो जनवरी माह में हमने शुरू करी थी। शुरुआत हुई थी पोस्टर लॉन्च की अमरनाथ से लेके, और रिसेंटली ये जो समापन समारोह हुआ है वो कन्याकुमारी में हुआ है। यानी कि पूरे भारतवर्ष में रोशनी के करीब अब तक 15,000 पोस्टर्स लॉन्च किए गए हैं, और साथ ही साथ हर जगह स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स किए गए हैं, और साथ में बच्चों के साथ में पोस्टर कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए गए हैं, जहाँ पर बच्चों ने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी सारे पोस्टर्स बनवाए, से नो टू जंक एंड यस टू गुड फूड। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन है बेसिकली 29 अक्टूबर को सायकल 4 बजे महाराणा प्रताप सभागार में किया गया है, और इस कार्यक्रम में इस बार इंडिया गॉट टैलेंट शो के सीजन 7 और 8 के फाइनलिस्ट क्रेजी हुपर्स आने वाले हैं, जो बेसिकली सभागार में अपना प्रदर्शन करेंगे। पहला उनका जो एक्ट होगा वो सर्जिकल स्ट्राइक है, और दूसरा जो एक्ट है वो है हनुमान चालीसा। साथ ही साथ इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम रखा गया है, संगीतमय प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर द गोल्डन नोट से पलक जैन और सचिन जैन अपनी प्रस्तुति देंगे। तो एक तरह से आप ये माने कि एक संगीतमय टॉक शो होगा, जहाँ पर मैं आपके सामने होऊंगा और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी परिचर्चाएँ होंगी, और दूसरे कुछ इसमें हमने हॉट टॉपिक्स भी रखे हैं, जैसे रिलेशनशिप को लेकर रखा है, और साथ ही में योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या योग करने से लाइफस्टाइल डिजीज खत्म होती है, इसके ऊपर भी बहुत सारे शोध हुए हैं। और रिसेंटली हमारी जो गाइडलाइंस है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, जो हम लोग मानते हैं, उसकी गाइडलाइंस भी ये कहती है अगर हम प्रॉपरली योग करते हैं और खान पान का ध्यान रखते हैं तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक टाला जा सकता है।